दुनिया में से बहुत कम रेस्टोरेंट्स रहते हैं जो अपने को किचन के अंदर घुस के किचन का वीडियो लेने देते। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है फ्रोजन विलेज जो अपने को बिंदास किचन के अंदर आके वीडियो लेने देते। तो ये जगह है आज की। हेलो गाइस, दिस इज आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर द फूडी ट्रैवलर। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे गाँव को जिसका नाम है फ्रोजन विलेज। ये जगह की ये खासियत है कि ये लोग गुर्दे का पिज़्ज़ा, कलेजे का पिज़्ज़ा, हर चीज़ सर्व करते हैं। यहाँ आपको ऐसे ऐसे एंटिक चीज़ें खाने को मिलते हैं जो आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ये जगह हर चीज़ में एंटिक है। एम्बियंस रहने दो, फूड रहने दो, इनका मेनू रहने दो, प्राइसिंग रहने दो, इतना सस्ता है हर चीज़। यहाँ 50% ऑफ चल रहा है इनका चाइनीज़ मेनू पे। हर चीज़ आपको 200 के अंदर मिल जाता है। पिज़्ज़ा रहने दो, फ्राइड राइस रहने दो, जो भी रहने दो। देख रहे हैं अपना एम्बियंस का ज़बरदस्त, एकदम अलग अलग सीटिंग एरिया है। हर एक टेबल को फैमिली सेक्शन, मतलब फैमिलीज भी बैठ सकते हैं, कपल्स भी बैठ सकते हैं, तो हर चीज़ का प्राइवेसी मिलता है आपको यहाँ। ये जगह है अपने टोली चौकी में। तो ये जगह इतनी इंप्रेसिव है कि आप लोग पहली बार आते कि आपको प्यार हो जाता है। ये है यहाँ का एंट्रेंस, देखो फ्रोजन विलेज, क्या ज़बरदस्त बोर्ड है। देखो बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको ज़बरदस्त बर्ड्स भी है, देखो आपको एकदम जू का फीलिंग भी आता है, जंगल का फीलिंग भी आता है। क्यूट से बर्ड्स है यहाँ, आपको एक्वेरियम है, हर चीज़ है। आप यहाँ देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। कुछ जगह ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एकदम रीजनेबल है और बहुत ही क्यूट एम्बियंस है। चलो अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ घुसे तो आप लोगों को एक छोटा सा वाटरफॉल्स दिखता और एक छोटी बॉडी है। ये बॉडी कहीं कोई बोलते बिलने वाले बोलते उसके अंदर डाल लेते आपको, और बॉडी में मच्छियाँ में देखो गिर गए बोलते मच्छियाँ खा लेते। तो क्या है, बॉडी में का पानी पिलाते अपने को, ज़बरदस्त पानी रहता बॉडी का, एकदम सालों पुराना, 2000 साल पुराना बॉडी है वो। और ये देखो अपना हर एक टेबल, हर एक मतलब प्राइवेसी, हर चीज़ अपने को यहाँ का है। दूसरे टेबल वाले दूसरे होटलों में यहाँ खाए, सो जाग के देखता, उन्हें जाग के देखता क्या खा रहा है, इन्हें कैसा खा रहा बोल के, तो इन्होंने क्या करे दीवार बनाए। और ये टेबल देखो, टेबल भी इतना एंटिक है। देखो ग्लास नीचे फ्रोजन विलेज लिखे, हर चीज़ को यहाँ का ओनर के जो है बहुत ही नज़ाकत से और सोच समझ के बनाए। ऐसा खाली इतनी के लिए बनाने को नहीं बनाए, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के बनाए। देखो और आ गया अपना खाना, आप लोग देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त प्लेटिंग करे। देखो प्रेजेंटेशन एकदम दूल्हे के दस्तर के सर का, तरकारियों के साथ डेकोरेट करके हर चीज़ प्रेजेंटेबल, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। देखो अगर किसी को डेट पे लेके आना चाह रहे या बीवी को लेके आना चाह रहे, जगह परफेक्ट है। डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम साइलेंट और काम जगह है। तो अपन ऑर्डर करें आज मटन सीख कबाब, देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त प्लेटिंग करके लाए। पिज़्ज़ा में देख सकते हैं बड़े बड़े पिज़्ज़ा हैं। ये चिकन लॉलीपॉप, ये अपना इम्यूनिटी सूप, कुछ इनका नहीं सूप है, वेज इम्यूनिटी हर्बल सूप, इसमें लगभग 50 इंग्रेडिएंट्स है, तो बहुत हेल्दी सूप है ये। और अपना चिकन चीज़ बस पिज़्ज़ा है ये, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त चीज़ है। देखो आप लोग ज़बरदस्त। तो पहले शुरू करेंगे सूप के साथ, देख सकते सूप में पूरा चिकन वो ये बहुत एकदम लॉट ऑफ वो चीज़ है इसमें। तो पहले अच्छा सूप थोड़ा स्पाइसी है पर यमी है, क्योंकि तो सूप अच्छा है, ज़रा स्पाइसी नहीं है, एकदम थोड़ा स्मूथ है। बेसिकली थोड़ा ब्लैक पेपर डाले, क्योंकि अगर किसी को सर्दी बुखार कुछ है तो सर्दी ब्लैक पेपर यू नो बहुत हेल्दी है उसके लिए। सो मेरे हिसाब से ये सूप ऐसे टाइम पे जब कोरोना ये वो मार्केट में इतना धूमधाम में चल रहा, तो सूप एकदम थोड़ा यू नो पेपर के साथ ज़बरदस्त टेस्ट, एकदम स्मूथ है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, एकदम परफेक्ट है, सब लोगों को पसंद आता। और इम्यूनिटी बूस्टर है ये, तो कोरोना के टाइम पे ये सूप बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पी है, क्योंकि बाहर देख रहे हैं ना कोरोना ऐसा धूम मचा रहा है। सुबह के टाइम पर ये सूप बहुत ज़बरदस्त सूप है ये। तो अब नेक्स्ट मेरा फेवरेट स्टार्टर जो है चिकन लॉलीपॉप, देख रहे हैं साइज़ आप लॉलीपॉप का क्या ज़बरदस्त है। दूसरे का इतने छोटे छोटे टुकड़े देते हैं, लेकिन इनका लॉलीपॉप का साइज देखो अपना क्या जबरदस्त है साइज। जबरदस्त एकदम सॉस के साथ लॉलीपॉप, देख सकते हैं कोटिंग नहीं है, सॉलिड चिकन है ये। दूसरी जगह क्या है, एक टुकड़े चिकन को आधा किलो आटा लगा के कोटिंग करते हैं, लेकिन ना बिल्कुल विदाउट कोटिंग सॉलिड लॉलीपॉप दिए। तो एक प्लेट में लगभग 1 2 3 4 5 6 पीस आते हैं, तो अगर दो दोस्त आने बोले जबरदस्त 3 3 पीस लॉलीपॉप खा सकते हैं, तो ज़बरदस्त रहता है लॉलीपॉप। मेरे को तो बहुत पसंद आया यहाँ का लॉलीपॉप, सो एकदम ज़बरदस्त है। अब खाएंगे अपना मटन शीख कबाब। तो ये अपना मटन शीख कबाब, सो इसके साथ हमने को ऐसे तो दो चीज़ें आते, एक मिंट चटनी है, एक मायोनीस है, तो मायोनीस को डुबा के खाएंगे। ऐसे तो शीख कबाब हम डायरेक्टली खाते हैं। गुल गया मुँह में, जब मुँह में डाला गुलिया तो समझ सकते कितना टेंडर है मटन इनका,
दूसरे का क्या है, बड़े बड़े बकरों का बना रहे थे, गलता नहीं कुछ भी नहीं, 1 घंटा बैठ के छापना पड़ता मुँह में, तो एकदम टेंडर देख सकते हैं, बस यूँ करे तो निकल जा रहा टुकड़ा। तो ज़बरदस्त शीख कबाब भी दूसरे का क्या रबर का बनाते हैं इन, असली गोश्त का बनाए इन। सो शीख कबाब भी बहुत अच्छा दिखा मेरे को, झूठी तारीफ नहीं करूँ, सही बोल रहा हूँ, अपने बारे में झूठ नहीं बोलते मैं। अब खाएंगे पिज़्ज़ा, चिकन चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा, चीज़ लवर्स आप लोगों के लिए तो दिल खोल के चीज़ इन एकदम डोमिनेस में इतना चीज़ नहीं मिलता। मेरे को मालूम आप लोगों को कितना बिरयानी पसंद है, लेकिन पिज़्ज़ा ज़्यादा मैं खा तो नहीं, लेकिन परफेक्ट है एकदम, देख सकते बेस के साथ चिकन चीज़ भर के दिल खोल के डाले ना चिकन। मैं आया बोल के नहीं, सब कस्टमर्स को ना ऐसे चिकन वो ये भर के देते हैं, चाहे तो आके मेरा नाम भी ले सकते या मेरा वीडियो रेफरेंस को बना सकते हैं। तो टोली चौक में रहने वाले आप लोगों को ये ज़बरदस्त स्पॉट है, फैमिली के साथ आइए, किसी के साथ आइए, आप लोगों को यहाँ का खाना बहुत पसंद आता, एकदम परफेक्ट है हर चीज़, हर चीज़ का प्लेटिंग देख सकते हैं आप लोग यहाँ, या टेस्ट देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ऐसा वैसा कुछ चार टुकड़े डाल के प्लेट में देते हैं ना, हर चीज़ सजा के एकदम ससुराल को पहली बार दामाद के, तो ऐसा खातिरदारी करते हैं, वैसा खातिरदारी करते हैं लोगों। तो अब आया है अपना नया डिश जो है अपना चिकन 65 शेजवान नूडल्स, इसको भी देखें हम लोग क्या जबरदस्त प्लेटिंग करें। पूरा रेसिपी बता दूँ चिकन 65 का, तो यहाँ बना रहे चिकन 65। वैसे तो होटल वाले किचन के अंदर आने नहीं रहते, लेकिन दिल खोल के किचन के अंदर आने दे रहे। अब देख सकते हर चीज़ परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ कचरा यहाँ वहाँ डाले नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा किचन है और एकदम फैंसी स्टाइल में चिकन 65 बन रहा। चिकन 65 रेडी हो चुका, अब आ गया अपना चिकन 65। यहाँ का चिकन 65 की तारीफ तो मैं बहुत सुना, या नजदीक में मेरा दोस्त रहता, हर दो दिन को मंगा लेता बोल के उन्हें बोला, तो बहुत मजे का रहता बोल के सुना। क्वांटिटी देख सकते हैं आप लोग क्या जबरदस्त दे रहे हो क्वांटिटी, और ये अपना चिकन शेजवान नूडल्स, तो क्वांटिटी तो दोनों का भी जबरदस्त है, प्लेटिंग वाइज भी दोनों अच्छे हैं। आप देखे होंगे जबरदस्त एकदम हाइजीनिक, ग्लाउज मास्क सब पहन के ना बना रहे, पूरा ऐसा वैसा ला के नहीं बना दे रहे। तो टेस्ट करेंगे अपना चिकन 65, लॉलीपॉप के बाद चिकन 65 मेरा फेवरेट है, और देखो आप लोग सॉलिड पीस है बिना कोटिंग, तो उसको खाएंगे। जबरदस्त, मैं दोस्त झूठी तारीफ नहीं करा, या मैं सच्ची तारीफ करता, मैं दोस्त भी सच्ची तारीफ कर रहा, एकदम बेहतरीन है चिकन 65 बिना कोटिंग, हर जगह कोटिंग का खा खा के थक गया मैं, बड़े से बड़े 5-star होटल में बस कोटिंग डाल के दे रहे, तो बिना कोटिंग बिना कुछ जबरदस्त चिकन 65 है। अगर टोली मेरी पढ़ना मिलने का स्विगी पर जोमेटो कोई भी है, खाली घर बैठे बैठे ऑर्डर दो आप लोग, जबरदस्त एकदम खाएंगे अपना चिकन शेजवान नूडल्स, एकदम गर्म गर्म धुआं आ रहे हैं, वो जल गया था आप लोग जिम्मेदार हैं। बहुत सालों के बाद खा रहा हूँ नूडल्स, में ही आजकल तो स्टार्टर हूँ उससे खा के पेट भर जा रहा, नूडल्स खाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन एकदम जबरदस्त जो पंडित बेस्ट बनता है वो स्टाइल का नूडल्स है, ये एकदम ऑथेंटिक, मतलब जो अपने अपने को पसंद है वैसा है, दूसरे का सॉफ्ट नूडल्स, चिकन सॉफ्ट नूडल्स, फ्राइड नूडल्स नहीं होता, एकदम जो अपन बचपन से खा के बड़े हुए से वो टाइप ऑफ नूडल्स है ये, सालों के बाद ये नूडल्स खाने को मिला। नहीं तो क्या है वो, तो जैसे जैसे अपन तरक्की करते जा रहे क्या क्या की खा ले रहे अपन आजकल, तो ये जबरदस्त चीज़ है। ये
शेक देख रहे होंगे हम लोग, इस वजह से शेक नहीं है, ये स्नीकर ब्राउनी शेक है। देख रहे होंगे क्या जबरदस्त दिख रहा है, एकदम सजा के आज दिखने में इतना जबरदस्त है, तो पिए तो क्या रहता होगा सोचो। साथ में छतरी भी दे लूँगा, तो अपने को बारिश के टाइम पे काम पड़ता छतरी है, तो जाते टाइम पे लेके जाओ छतरी, नको छोड़ दो। अपने टाइम पे बाल में डोली छोड़ के दुनिया के बारिश आते हैं, तो ये काम को आता टाइम टाइम पे। आज तक आप लोग हम मंडियों पे डब्बों पे पानीपुरी खाए होंगे, वो भी मसाला पानीपुरी। ये नया आइटम है जो है चॉकलेट पानीपुरी, तो ये जो है इसके जो तक हम लोग मंडियों पे डब्बों पे गलियों के कोनों में पानीपुरी खाए होंगे, वो भी मसाला पानीपुरी। लेकिन ये पानीपुरी हटके है, ये है अपना चॉकलेट पानीपुरी। चॉकलेट पानीपुरी के साथ जो आता है ना स्ट्रॉबेरी शेक आता, तो ये बहुत अलग आइटम है जो जगह नहीं मिलता आपको, बहुत कम जगह में मिलता है हैदराबाद में। इतने में देखो क्या जबरदस्त दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन के साथ। चॉकलेट पानीपुरी खाली अपने फ्रोजन विलेज पर मिलता है, तो दोनों आइटम को टेस्ट करेंगे अपन। पहले शुरू करेंगे अपना शेक, जो है ब्राउनी, अपना ब्राउनी स्नीकर शेक। ये कहाँ से पीना, कहाँ से खाना समझ नहीं आ रहा। पहले शेक पी लेंगे, स्ट्रॉ दिया उन्होंने, एकदम थिक शेक है, एकदम इसको खाने को दिल नहीं बोल रहा, ऐसे घर को लेके जाएंगे सुन सुन में। लेकिन क्या बोलते सब, अपना मग यहाँ वापस कर देना बोल रहे नो, दिल बड़ा नहीं कर रहे ना, मग दे देने। तो ऐसे लेके जाके फ्रिज में रख ले तुम था, रोज फ्रीजर का दरवाजा खोल के देख के खुश हो जाता था, फिर दरवाजा बंद कर दे तुम था। फिर बहुत जबरदस्त आइटम है ये, बहुत कम जगह मिलता है, एकदम ऐसा फैंसी शेक आपको छतरी के साथ। तो छतरी घर को लेके जा रहे, नको बोलो मुझे ने छोड़ दे रहे, फिर से बोलूँ छतरी घर को लेके जाओ और इस शेक को पूरा पोच के खाओ। इन लोग ना देख रहे बोलते नको सुन छो साफ खाओ, जबरदस्त प्रेजेंटेशन करे नो। सो यहाँ का हर आइटम देख रहे आप लोग ना, जो है अपना प्लेटिंग डेकोरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, ना क्वालिटी में। हर चीज़ यहाँ इवन है और अच्छा है, और स्पेशली हलाल है, क्योंकि अपने मुसलमान ओनरों का है ये। सो टेंशन न करो, हलाल इसका उसका, आ जाओ बिंदास ऑर्डर करके खाओ। मेरा नाम बोलते हो 10% डिस्काउंट भी देते बोल रहे ना, तो फ्रोजन विलेज टोली चौकी में है, आके यहाँ के जबरदस्त आइटमों के मजे लो आप लोग। तो अब है चॉकलेट पानीपुरी खाने की बारी। इतना पानी की जगह ये देखे अपने को जो अपना स्ट्रॉबेरी शेक, इसको डालना है आप ये पूरी के अंदर, डालना पूरा दो बाहर भी के, तो फिर पूछना पड़ता अपने को, और इसको उठाना है ये। आइटम खाने को हर जगह नहीं मिलते आपको, बाकी क्वार्टर में ब्राउनी आइसक्रीम जबरदस्त आइटम है ये, हर जगह खाने को नहीं मिलता आपको, बाकी हर जगह ब्राउनी आइसक्रीम ये वो अपरो आइटम मिलते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे एंटीक चीज़ें मिलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हाईटेक सिटी वालों को भी, यहाँ के लोगों को भी, बीच में ये जबरदस्त आइटम घर में ही बना के खा सकते आप लोग। लेकिन कहीं भी बनाते जहाँ के पैसे दे के खा लो ना, घर में कहीं को तकलीफ किसको भी, लोगों को आइटम ज़बरदस्त है, तो मैं बहुत पसंद आया। और ये है अपना कुरबानी संडे, कुरबानी का मीठा सुने होंगे, इन्होंने कुरबानी का संडे बना दिया इसका, एकदम बना इसे मालूम है आप लोगों को एंटी कैंटिक आइटम वहाँ मिलते हैं। तो ये है अपना कुरबानी संडे, इसमें भी छतरी दी है, तोड़ चुके हैं पानी पड़ा बोल के, एकदम मैंने दिल पे ले लिया, और सारे आइटम पे छतरी लगा के पहले दे दिए, पानी पड़ा तो आइटम ख़राब नहीं होना बोल के। तो तीन छतरियाँ मिल गई अपने को, अब तीन छतरियाँ घर को लेके जाओ आप लोगों का क्या ऑर्डर करें, तो एक्स्ट्रा छतरियाँ मिल देते हैं ना, तो अपन इसको टेस्ट करेंगे। तो आइटम दिखने में तो ज़बरदस्त दिख रहा, कुरबानी का मिठाई उसको राइस में असल है, मेरी शादी याद आ गई, मेरी शादी में वैसे कुर्बानी का मिठा बनाए थे, और मैं साला दाल दाल के खिलाया मेरे को, अब डालने वाले नहीं है, खिलाने वाले भी नहीं है, मैं इसको खा ले रहा हूँ अब। लेकिन ज़बरदस्त एकदम बादाम बादाम डाल के ज़बरदस्त बनाए रहा हूँ, एकदम हर आइटम यहाँ अच्छा दिखाया था, कोई आइटम डिसअपॉइंट नहीं करा कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ लोग आए तो ज़रूर इन्जॉय करते हैं, यहाँ छोटे बच्चे आए तो बर्ड्स स्पीशीज भी है, यहाँ आके टाइम पास कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्लेस सब कुछ अच्छा है, 4.5 रेटिंग दे सकता हूँ मैं, यहीं पॉइंट पे भी कम करा, इस बोलते हमारे घर से बहुत दूर है, नज़दीक रहता तो रोज़ आया था मैं। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रोजन विलेज फॉर इस अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा जगह है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस है, लिंक है, सब कुछ है, आ जाओ सीधा आके मेरा नाम बोलो, यूट्यूब पर लिंक बताओ, 10% डिस्काउंट भी मिलता आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो और देखते रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर आप लोगों को तवज्जो देना है, इनका पूरे मेनू चाइनीज मेनू पे 50% ऑफ है, मतलब आपको हर चीज़ पे 50% फ्लैट ऑफ है, नो GST, नो टैक्स, कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ यह है कि आप लोग बर्गर लिए तो कम लोग फ्री दे रहे छोटा बॉटल, और पिज़्ज़ा लिए तो 750 ml का स्प्राइट फ्री दे रहे हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ क्या रहता असल, तो अगर आप
पूछ लो। तो अब आप लोग समझो, तो एक चिकन चीज का जो है यहाँ 300 है, आप लोगों को 150 रुपये में आता। लॉलीपॉप 140 में आता। आप लोगों को जो है एग नूडल्स जो आता 100 रुपये में आता। एक मिक्स फ्राइड राइस 80 रुपये में आता। सोच लो मैं कितने सस्ते में दे रहे हर चीज़। यहाँ ऐसे ऐसे ऑफर आए, वो भी कितने अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा एम्बियंस के साथ। आप लोग एकदम नेचुरल बर्ड्स की आवाज़, पानी की आवाज़, ये आवाज़ के बीच में जो आप लोग मज़े लेके खा सकते हैं, ऐसा आपको हर जगह खाने को नहीं मिलता। तो डिले ना को करो, ये ऑफर तकरीबन इंशाल्लाह रहेंगे और कुछ महीने और हफ्ते। तो आओ यहाँ ये ऑफर क्लेम करो और ज़बरदस्त फैमिली के साथ खाओ। आप लोग दिल खुश हो जाता है। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में मेरे को गालियाँ दो, परवाह नहीं मेरे को। लेकिन आप लोगों को मैं 100% बोलूँगी, जगह आप लोगों को ज़रूर पसंद आती। एकदम आओ या 50% ऑफ, फ्री थम्स अप, हर चीज़ के मज़े लो। आप लोग फैमिली के खा सकते हैं, फैमिली सीटिंग भी आप लोग देख सकते हैं। पूरा प्रॉपर 11 मेंबर्स का फैमिली सीटिंग है यहाँ, कपल सीटिंग है। गुरु के साथ आओ, किसके साथ आने का है, आप लोग और मज़े लो। एकदम ज़बरदस्त जगह है। होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। मज़ा आया होगा आप लोगों को यहाँ का खाना, यहाँ का एम्बियंस, हर चीज़ देख के मेरा जितना दिल खुश हो, आप लोगों का दिल खुश होगा। तो आ जाओ ये जगह पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आके मज़े लो, ज़बरदस्त खाओ, इन्जॉय करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लंबा वीडियो था, हर आइटम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ा। तकरीबन जनरली मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब चीज़ अच्छी है तो डिटेल में बोलना ही पड़ता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करो, वायरल करो और ये जगह पे आके मज़े लो आप लोग। और एक और ख़ास बात ये जगह की ये है कि इनके पास फर्स्ट एड किट भी है। अगर कुछ इमरजेंसी हुआ अगर कस्टमर्स को या शेफ़ को, तो इनकन वो भी चीज़ रेडी है। सो वन मोर हैट्स ऑफ।